7 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों के हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे। इसमें इंदौर जिले का नाम शामिल नहीं है, मगर अन्न योजना को जिले में उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। जिले की सभी 532 राशन दुकानों पर आयोजन होंगे। वहीं प्रमुख आयोजन मूसाखेड़ी क्षेत्र स्थित राशन दुकान पर होगा। कोरोना काल में गरीब वर्ग के लोगों को केंद्र व राज्य सरकार ने मुफ्त अनाज वितरित किया। अन्न योजना के तहत 7 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों के हितग्राहियों से वीसी के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। इस आयोजन के लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही है। इंदौर जिले में गरीब कल्याण अन्न योजना को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। खाद्य नियंत्रक मीना मालाकार के मुताबिक गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 7 अगस्त को बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को 10 किलो खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। दुकानवार इसकी तैयारी की जा रही है, साथ ही साथ विभिन्न विभागों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत राशन वितरण का कार्यक्रम वृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में 7 अगस्त को किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न एक थैले में रखकर दिया जाएगा। उस दिन के लिए कुछ हितग्राहियों को चयन करके पूर्व से सूची तैयार करके दुकानवार तैयारी इसकी की जा रही है। हर दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जो कि कार्यक्रम के संचालन को सुनिश्चित करेगा। साथ ही विभिन्न विभागों को इसके लिए अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं, ताकि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से निभाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर एक उचित मूल्य दुकान पर एक मुख्य अतिथि होंगे, जो कि उस क्षेत्र में संबंधित विधायक या माननीय मंत्री जी या माननीय सांसद जी या अन्य कोई जनप्रतिनिधिगण हो सकते हैं, या कोई प्रबुद्ध जन समाजसेवी व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो माननीय प्रभारी मंत्री जी के निर्देशन में और माननीय जो वरिष्ठ IAS अधिकारी जिले के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनके आदरणीय कलेक्टर महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसका संचालन किया जा रहा है। खाद्य नियंत्रक के अनुसार पीएम के ऑनलाइन संवाद को लेकर राशन दुकानों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। हितग्राहियों को राशन देने के लिए अहमदाबाद से विशेष बैग तैयार होकर आ रहे हैं, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा हितग्राहियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रहेगी। इस दिन हर एक दुकान पर कार्यक्रम से लोग जुड़ सकें और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुन सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस दिन जो हितग्राहियों से सीधे ऑनलाइन संवाद किया जाएगा उसको देख सकें। इस सब के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर TV और ध्वनि यंत्र की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि उपयुक्त ढंग से सभी हितग्राही इसको सुन सकें। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर हितग्राहियों की बैठक व्यवस्था, उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत कुछ गीत संगीत आदि भी होगा। इसके लिए एक लघु फिल्म भी बनाई गई है इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए, वो भी इस दिन दिखाई जाएगी। और 11 बजे प्रातः माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम से सीधे जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के संबंध में गीत भी बनाया गया है, वो भी कार्यक्रम स्थल पर चलाया जाएगा। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर आयोजन किया जा रहा है और हर उचित मूल्य दुकान को एक आयोजन स्थल के रूप में हम देखेंगे इस दिन, और हितग्राहियों को उत्सव पूर्वक खाद्यान्न का वितरण करेंगे। जी हाँ, इस समय खाद्यान्न वितरण के लिए एक थैला योजना की जानकारी जिसपे है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि योजना के लिए हितग्राहियों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैल सके और वो 10 किलोग्राम खाद्यान्न उसमें रख के प्रदाय किया जाएगा। आपको बता दें कि इंदौर जिले की 532 राशन दुकानों पर 3,65,000 परिवारों के राशन कार्ड व पात्रता पर्ची बनी है, जिसमें 15,43,000 से ज्यादा सदस्यों को राशन दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।